गांव के अंदर बैठकें की जा रही है, सभाएं की जा रही है और क्षेत्र के किसानों से बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में हिस्सेदार लेने की अपील की जा रही है। किसानों के जो मुद्दे हैं, हमारे बीच में किसान सभा के नेता हैं साथी हरेंद्र, वो बताएंगे किसानों की क्या मांग है, क्या समस्या है, क्या मांगों के लिए जैसा कि हमारे कॉमरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा जी ने बताया कि आज हमारा इस महापड़ाव का 13वां दिन 25 तारीख से हम बैठे हैं यहाँ 25 अप्रैल से और आज हमें जो है 7 मई हो गई है। हमारा जो है यहाँ 10% का मुद्दा है, जो हमारा प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ था कि 10% आबादी प्लॉट और 64% मुआवजे की बात जो हुई थी उससे प्राधिकरण मुकर रहा है। दूसरा मुद्दा हमारा मुआवजा वृद्धि का है, जो कि हमारे आसपास के गांवों में ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो रेट नाकाफ़ी है। अभी इन्होंने पिछले दिनों 450 रुपया प्रति मीटर का रेट बढ़ाया है, जब और जो टोटल बनता है 4125 रुपये, जबकि यहाँ जो प्राइवेट बिल्डर खरीद कर रहे हैं वो 7 से 10 हज़ार रुपये मीटर की खरीदारी कर रहे हैं। हमने इनसे मांग रखी है कि हमारा जो है कानून के तहत, हम इनसे कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमारा कानून है, जो हमारा नियम बना हुआ है 2014 का, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना सर्किल रेट का और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 2 गुने मुआवजे की बात कानून के माध्यम से कही गई है, तो उसके अनुसार हमारा कम से कम 14,000 रुपये प्रति मीटर का मुआवजा बनता है, जिसे ये केवल 4125 रुपये में देकर ही किसानों से खरीद कर रहे हैं। जबकि आप मेरठ और हापुड़ जैसे शहरों में, जो कि दिल्ली से दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ भी 7 से 8 हज़ार रुपये मीटर में खरीद फरोख्त की जा रही है, तो यहाँ के किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। उसी के सिलसिले में यहाँ का क्षेत्र का किसान एकत्रित होकर के इस महापड़ाव में शामिल हो रहा है और ये निरंतर दिन प्रतिदिन ये महापड़ाव अपना बड़ा रूप लेता जा रहा है, जिसमें अभी कल का हमने एक पैदल मार्च का आगाज किया है, जो जेपी गोल चक्कर से लेकर के परी चौक होते हुए और फिर वापस जेपी गोल चक्कर पर भी इसका समापन किया जाएगा। उसके बाद फिर हमारे सभी साथी महापड़ाव में आकर के शामिल होंगे, तो हम इनसे अपनी मांगों के लिए, जो कि हमारे पूर्व में इनके साथ समझौते हो गए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सड़क समस्या का समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। कल जेपी गोल चक्कर से परी चौक होते हुए फिर जेपी गोल चक्कर पर काली पट्टी बांध कर किसानों ने एक बड़े जुलूस का आयोजन किया है। 15 तारीख को जो है बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के प्राधिकरण घेरने का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसकी तैयारी चल रही है। किसानों के नेता साथी जगवीर नंबरदार हमारे बीच में, जो आंदोलन के बारे में जानकारी कल 8 मई को धनरा किसानों ने निर्णय लिया है कि हम प्राधिकरण के विरुद्ध बड़ी मात्रा में एकत्रित हो विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर इस प्राधिकरण को चेताना चाहते हैं कि जो लंबित किसानों के मामले हैं उनको ये हल करें और किसानों के साथ न्याय करने का कार्य करें, अन्यथा आने वाले 15 मई को किसान बहुत बड़ी मात्रा में, जो लगभग 20,000 तक हो सकती है, उसमें एकत्रित होकर प्राधिकरण के दोनों गेटों को घेरने का कार्य करेंगे और जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता तब तक यहाँ हम अधिकारियों को भी बंधक बनाकर रखेंगे और अपनी समस्याओं को हल कराने का कार्य करेंगे। जय किसान, जय जवान, इंकलाब जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगुवाई में 25 अप्रैल से लगातार रात दिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के समक्ष किसानों का धरना चल रहा है। आज धरने का 13वां दिन है और कल किसानों ने जेपी गोल चक्कर से परिचौक होते हुए फिर जेपी गोल चक्कर तक जुलूस निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। 15 मई को फिर जो प्राधिकरण को घेरने की तैयारी किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इन दोनों कार्यक्रम की तैयारी के लिए जहां सैकड़ों किसान